सुप्रभात बच्चों, आज हम सहर्ष स्वीकार है कि कविता की बाकी की पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। क्या है? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बिलोरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल से लापता, लापता कि वहां भी तो तेरा सहारा है। क्या है कि कवि अपनी प्रिय से फिर अनुरोध करते हैं कि मैं तुम्हें भुला दूं, ऐसा मुझे दंड दो, मुझे ये सजा दो कि मैं अंधकार में खो जाऊं, मैं उस सघन अंधकार में खो जाऊं जो धरती के नीचे पाताल में है, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती, उस पाताली में, अंधेरे में मौजूद गुफाओं में, विवरों में, मैं सुरंग में मैं खो जाऊं धुएं के बादलों में कि जहां कुछ नजर ना आए, कोई याद ना बचे। कवि को फिर एहसास होता है कि उस विस्मृति में भी स्मृति का अंश तो समाया है, उस सघन अंधकार में भी तो कहीं ना कहीं प्रिय का ही हाथ है, सहारा है। वो चाहे जितने प्रयास कर ले प्रिय से अलग होने के लिए, उससे अलग होना संभव नहीं है। कवि आगे लिखते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रिया के योगदान को स्वीकार करते हैं और कवि कहते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो भी उसने पाया है, जो भी कुछ अपना सा प्रतीत होता है, वह किसके कारण है? वह प्रिया के कारण है। और जो भी भविष्य में संभावनाएं बनेंगी, उसके मूल में भी प्रिया की ही प्रेरणा होगी। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की हर स्थिति, हर उतार चढ़ाव, जिसने मेरे जीवन में कदम रखा या जीवन की जो भी दिशा या दशा हो होगी, वह सब मुझे सहर्ष स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है और जो मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों, ये था कविता का अर्थ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद।